हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गोपाल कृष्णा है और मैं AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं PPC यानी पे पर क्लिक क्या है और इसमें कैरियर स्कोप्स क्या हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। फ्रेंड्स, पे पर क्लिक डिजिटल मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। पे पर क्लिक ने मार्केटिंग को बिल्कुल ही बदल के रख दिया है। पे पर क्लिक के अंदर एडवर्टाइजर अपने एड पे क्लिक होने पे पैसे पे करता है। ये एड राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे दिखता है, इसके वजह से उसके लीड्स, सेल्स, कन्वर्जन काफ़ी बढ़ जाते हैं और उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होता है। PPC एडवर्टाइजिंग सर्च इंजन्स एंड सोशल मीडिया कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। दोनों के एडवर्टाइजिंग टेक्निक में थोड़ा डिफरेंस होता है। सर्च इंजन्स जनरली एडवर्टाइजमेंट सर्च क्वेरी यानी कीवर्ड के हिसाब से, यूज़र के पास्ट सर्च हिस्ट्री और यूज़र के बिहेवियर्स के हिसाब से शो करती है, जबकि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग लोगों के इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशन, डेमोग्राफी और इंटेंट के हिसाब से दिखाती है। पे पर क्लिक क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए हम उसके कुछ एडवांटेजेस को समझते हैं। इसका पहला एडवांटेज है क्विक सर्च विजिबिलिटी, यानी अगर आपको सर्च इंजन या सोशल मीडिया पे ऐड दिखाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपने ऐड बनाया, आपका ऐड अप्रूव हुआ और इट विल बी विजिबल, ये सभी को शो होना शुरू हो जाता है। अगला एडवांटेज है टारगेटेड पोटेंशियल क्लाइंट, मतलब आपका ऐड उन्हीं को दिखेगा जिनको आप दिखाना चाहते हैं, जो आपके पोटेंशियल यानी जो आपके फ्यूचर में कस्टमर हो सकते हैं, जो उस तरह के सर्विस में या उस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हीं को आपका ऐड दिखेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपके सेल्स, कन्वर्जन या लीड्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एडवांटेज है एडवर्टाइज एनीवेयर इन वर्ल्ड, मीन्स आप पूरी दुनिया में कहीं भी अपना एडवर्टाइजमेंट शो कर सकते हैं। PPC का अगला एडवांटेज है फ्लेक्सिबल बजट ऑप्शन एंड हायर ROI, मतलब आप अपने बजट को अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने कैंपेन के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपका ऐड अच्छा चल रहा है तो आप बजट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐड सही नहीं चल रहा है, बजट कम करके आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। PPC इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री में कई तरह के जॉब प्रोफाइल बने। जो इम्पॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल है उनमें से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। पहला जॉब प्रोफाइल है PPC अकाउंट मैनेजर। PPC अकाउंट मैनेजर PPC इंडस्ट्री में सीनियर मोस्ट पोस्ट पे होता है। इसका काम क्लाइंट्स के कैंपेन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। क्लाइंट का कैंपेन स्मूथली चले, उससे हायर ROI मिले, ये उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्लाइंट के लिए कौन सा नया कैंपेन बनाना है, उसे कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, ये सब वो प्लान करता है। PPC अकाउंट मैनेजर क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। वो क्लाइंट को उसके कैंपेन से रिलेटेड रिपोर्ट शेयर करता है ताकि क्लाइंट समझ सके कि उसका कैंपेन कैसा चल रहा है। अगला जॉब प्रोफाइल है PPC स्पेशलिस्ट। PPC स्पेशलिस्ट का मेन काम होता है PPC कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना। इसके लिए वो PPC अकाउंट मैनेजर और PPC एग्जीक्यूटिव दोनों के साथ मिलके काम करता है। PPC अकाउंट मैनेजर के साथ मिलके वो डाटा स्टडी करता है और कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के आइडियाज़ निकालता है। वो इन नॉलेज को PPC एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करता है ताकि PPC एग्जीक्यूटिव उन कैंपेन्स को इम्प्रूव कर सके। PPC एग्जीक्यूटिव, ये PPC इंडस्ट्री में एंट्री लेवल का जॉब होता है। PPC एग्जीक्यूटिव का काम कैंपेन्स बनाना, कैंपेन्स को एडिट करना, कैंपेन्स को रन करना होता है। हर दिन PPC एडवर्टाइजर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि PPC के थ्रू उन्हें और बिजनेस मिल रहा है। इस वजह से मार्केट के अंदर PPC स्पेशलिस्ट, PPC एग्जीक्यूटिव, PPC अकाउंट मैनेजर की काफ़ी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल होगा कि ये कोर्स कौन कर सकता है। तो ये कोर्स कोई भी जिसने 12th पास कर रखा हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, कर सकता है। PPC के अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट को लोग मुँह मांगा सैलरी देने को तैयार हैं। एंट्री लेवल पे आपकी सैलरी 15,000 से 20,000 से स्टार्ट हो सकती है, जो लाखों में जा सकती है। फ्रेंड्स, आपको और करियर ऑप्शंस के बारे में जानना हो, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए एनिमेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का, तो जुड़े AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन के साथ।